जो इसने मुझे बताया तफ्तीश में वो बड़ी एक बड़ी उस वो आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। ये अमेरिका से डिपोर्ट हुआ है, ठीक है। खुदा न खास्ता अगर इस बीवी की यहाँ पे तदफीन हो जाती, किसी को पता ना चलता। अगला इसने हरबा ये करना था अपनी बीवी के अगवा की आफिया देने से कि मेरी बीवी अमेरिका से आई, हाँ, और उसको किसी ने अगवा कर दिया। और अब फिर उसके बाद पाकिस्तान की एम्बेसी और अमेरिका की एम्बेसी, ये दोनों मुल्कों ने ये काम शुरू हो जाना था। अभी एक अमेरिकन जो है सिटीजन पाकिस्तान से लापता, पाकिस्तान से लापता, और बहुत बदनामी होनी थी, बहुत बदनामी होनी थी। और इसने जो ये डिपोर्ट हुआ है उसको इसने कैश करना था, जी मैं तो वापस आना चाहता हूँ, मेरी बीवी पाकिस्तान में आई और लापता हो गई। लापता, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको बड़ वक्त पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक है, पकड़ लिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा खादम साहब, जो शवाहिद हैं, जो चीज़ें, जैसे सर में आपने बताया कि इसको कुछ मारा, छुरी थी, मानता भी है, वो बरामद कर लिए या करना? जी अभी बरामद करनी है वो हमने, और जो ब्लड वगैरह भी है वो भी हमने भिजवाया है इसे घर से उठा के, उसकी भी रिपोर्ट आनी है, इसका डीएनए भी करवाना है, उसके बाद इसका जो है टेस्ट पोलीग्राफ वगैरह वो हम कराएँगे, जितनी भी मैक्सिमम शहादत इकट्ठी हो सकी, ठीक है, वो हम इकट्ठी करेंगे। असल में एक बात और भी है कि इसके जो इसका एक दोस्त है फारूक, फारूक साहब को भी हमने शामिल तफ्तीश करना है, ठीक है, कि वो औरत इतनी हेल्दी है कि उसको एक आदमी तो शिफ्ट नहीं कर सकता, तो उसको हमने, उसको भी हमने, उसका भी बयान लेना है कि क्या वो तो नहीं सिर्फ कत्ल में मुलव्वस, क्योंकि जो भी कोई एक आम जो एक्सीडेंट हो जाए हॉस्पिटल में चली जाए तो हमें बगैर इतला होती है। बिल्कुल ठीक है, ये तो एक इंसान का कत्ल हुआ है, किसी ने हमें कोई इतला नहीं दी। बिल्कुल ठीक, ये तो अल्लाह भला करे उस गोरकन का जिसको इसने पैसों की ऑफर की, लेकिन उसने वो ऑफर कबूल नहीं किया, कबूल नहीं किया ऑफर, हाँ, उसने कहा जी मैं जब तक इंतजामिया नहीं आएगी, जो इमाम मस्जिद हैं वो नहीं आएंगे, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता, ठीक हो गया, उसने ही हमें इतला दी और हमने इसको पकड़ा, ठीक है। अच्छा खादम साहब, इस मुकदमे में ज़ाहिर है जो मकतूला थी उसके फैमिली साहब अमेरिका में है, तो इस केस में मुदई कौन है? मुदई स्टेट है, पुलिस है, पुलिस इसमें जो है वो मुदई बनी है। 302 की दफ़ात जी, 302, 201, 201 किस चीज़ की दफ़ात? क्योंकि वो पुलिस डेड बॉडी को ना दफना रहा था खुफिया तौर पर, खुफिया तौर, पोशीदा तौर पर, ताकि वो सबूत ख़त्म हो जाए, जो मेरे ऊपर बाद की दफ़ात जो है वो 201 वो भी लग गए हैं। अच्छा ये इसका कोई रिकॉर्ड चेक किया है पाकिस्तान में, कोई रिकॉर्ड है? हाँ, इसके जो इसका आईडी कार्ड है उस पर हमने चेक किया है, तो यहाँ तो नहीं मिल रहा, लेकिन मालटाउन थाने में 2008 में एक एफआईआर इस तरह की हुई थी जिसमें ये मुल्ज़िम था। अच्छा, कत्ल की बात? वो बाद में मुझे तो ये मालूम हुआ है मेरे सोर्सेज से कि वो भी कत्ल हुई है। अच्छा, लेकिन अभी वो हमें एफआईआर नहीं मेरी, हम ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, फिर वो जब मिलेगी फिर देखेंगे वो खुद मरी, उसकी डेथ हुई है या इसने मारा है। ये ऑन तो करता है कि 2008 में मेरे साथ एक लड़की का अफेयर था। अच्छा, और ये ऐसा हुआ था, मानता तो है, तस्लीम करता है दोनों तरफ, ठीक है, लेकिन अभी वो रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं, जैसे वो मिलेगा तो वो भी हम मिसल का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा खादम साहब, ये कोई मंशियात का इस्तेमाल भी करता है, कुछ ड्रग्स भी इस्तेमाल करता है? जो है ना, जो ये सुकून वाली गोलियाँ जो इंसानी हवस के लिए जो गोलियाँ होती हैं, मतलब गैर ममनुआ चीज़ें, वो ये बयानी है कि हाँ। वो करता है। अच्छा, वो करता है, मानता भी है, मानता भी है, मानता भी है।